अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ मोहम्मद खुर्शीद खान, उर्दू अदब से। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल उर्दू अदब। उर्दू अदब आपके लिए आज एक और सबक लेकर आया है जिसका उनवान है कि उर्दू मुहावरे। उर्दू के मुहावरे जो होते हैं वो अक्सर हम आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, तो उन मुहावरों का हम आपको मतलब भी बताएंगे, यानी मायने बताएंगे, और उनका इस्तेमाल किस तरह होता है ये भी आपको बताएंगे। तो आज का हम जो वीडियो लेकर आए हैं इसी मौजू पर है। तो हमने सबसे पहले देखिए ये लिखा है कि उर्दू मुहावरे अंग्रेजी में कहते हैं आइडियम्स, ये है मायने, ये मुहावरा, ये मायने, और यहाँ पर है इस्तेमाल, ये है इस्तेमाल, यहाँ इस्तेमाल, ये मुहावरा है। रोजमर्रा बोल चाल में हम अपनी तहरीर को पुर असर बनाने के लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जिनको हम मुहावरा कहते हैं, जिनको हम मुहावरात कहते हैं। मुहावरे में अल्फाज के मायने बजाय तो सीधे साधे होते हैं, लेकिन हकीकत में इसके मायने बहुत गहरे होते हैं। जैसे 9 2 11 होना, 9 2 11 हम अगर लिखेंगे कि 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 इजुगल टू 11, 9 2 11, 9 2 11, ये एक मुहावरा है। और उर्दू में इसको लिखेंगे 9 2 11 इस तरह, 9 2 11, इसके मायने है 9 2 11 का मतलब है भाग जाना, यानी रफू चक्कर हो जाना, चले जाना, भाग जाना, ये इसके मायने है 9 2 11 होना। मुहावरे आम बोलचाल में शामिल ऐसे अल्फाज होते हैं जो अपने असल मायने के बजाय मुख्तलिफ मायने में इस्तेमाल होते हैं। जैसे पानी में आग लगाना, अपना उल्लू सीधा करना, आंसू पोंछना, आसमान से बातें करना वगैरह, ये मुहावरे हैं। तो आइए हम आपको सबसे पहले मुहावरा बताते हैं और इसके मायने। मुहावरों में किसी किस्म की कमोबेशी नहीं की जाती है। मुहावरे को इसी सूरत में रखना जरूरी है जिस सूरत में अहले जबान ने उन्हें इस्तेमाल किया है। मसलन मुहावरे बाग-बाग होना, इसको सिर्फ इसी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए मुहावरा शुरू करते हैं कि अपना उल्लू सीधा करना, ये मुहावरा है, अपना अपना उल्लू सीधा करना। अलिफ पर पेश लगेगा और लाम पर तस्जीद लगेगी, उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना, अब इसके मायने क्या है? मायने है अपना मतलब निकालना, अपना मतलब निकालना। ये इसके मायने, अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। अब इसको हम इस्तेमाल किस तरह करेंगे कि ये है, तुम्हें किसी से कोई हमदर्दी नहीं, कोई हमदर्दी नहीं, बस अपना उल्लू सीधा करते हो, बस अपना उल्लू सीधा करते हो। ये रहा इसका इस्तेमाल कि तुम्हें किसी से कोई हमदर्दी नहीं, बस अपना उल्लू सीधा करते हो, तो ये मुहावरा ही इस्तेमाल होगा। जैसे कहा, बस अपनी असल सूरत आएगी इसकी, अपने पांव पर खड़ा होना, ये मुहावरा है, अपने पांव पर खड़े होना, अपने पांव पर खड़े होना, ये मायना है। यानी इसके मायने क्या है कि अपनी जिम्मेदारी खुद संभालना, अपनी जिम्मेदारी है, जाल से है, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी खुद संभालना,
जिम्मेदारी खुद संभालना। अब इसके इसका इस्तेमाल है अख्तर, अख्तर को मुलाजमत मिल गई, मुलाजमत मिल गई, अब वो अपने पैरों पे खड़ा है, अब वो अपने पैरों पे खड़ा है। आप लिखते जाइएगा, पैरों पे खड़ा है, पैरों पर खड़ा है, ये हो गया इसका इस्तेमाल कि अपने पांव पर खड़े होना, अपनी जिम्मेदारी खुद निभाना, ये इसके मायने हैं। उस संभालना, अख्तर को मुलाजमत मिल गई यानी नौकरी मिल गई उसको, और अब वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। अगला मुहावरा है अपना राग अलापना, अपना राग अलापना, इसके मायने हैं अपनी ही बात कहे जाना, अपनी ही बात कहे जाना, इसके मायने है कहे जाना। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल आता है कि राशिद किसी की बात नहीं सुनता, अपना ही राग अलापता है, यानी किसी की बात ना सुनना, अपना राग अलापना, किसी की बात ना सुनना और खुद अपनी बात कहते रहिएगा, और दूसरा जो कह रहा है उसकी कोई बात सुनने के लायक नहीं है, यानी सुन नहीं सकते उसकी बात, वो अपनी ही बात कहते रहेगा। अपने मुंह मियां मिट्टू बनना, इसके मायने हैं आपके अपनी तारीफ आप करना, अपनी तारीफ आप करना। आप करना, ये इसके मायने होते हैं, अपनी तारीफ आप करना। अब इसका इस्तेमाल देखिए, अपने मियाँ मिट्टू बनना, अपने मियाँ मिट्टू बनना, अपने मियाँ मिट्टू बनना, बुरी बात है। अच्छा है जिसे दूसरे लोग अच्छा कहें, अच्छा कहें, ये इसके इस्तेमाल हो गया। पानी पानी होना मुहावरा है, पानी पानी होना, ये मुहावरा है पानी पानी होना, पानी पानी होना, होना पानी पानी होना के माने बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना, बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना, ये इसके मायने है पानी पानी होना, बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना, ये मायने हो गए इसके। अब इसको इस्तेमाल है हकीकत खुल जाने पर, ये इसका इस्तेमाल है हकीकत, हकीकत बड़े काब से है, हकीकत खुल जाने पर इनका झूठ, इनका झूठ साबित साबित
जो लिखा जाएगा वो से लिखा जाएगा, साबित हुआ, साबित हुआ तो बेचारा बेचारे पानी पानी हो गए। हकीकत खुल जाने पर उनका झूठ साबित हुआ तो बेचारे बेचारे पानी पानी हो गए, ये इसका इस्तेमाल है। अभी लव इस्तेमाल आया है कि साबित, साबित जो लिखा जाएगा ये से लिखा जाएगा साबित, इसको आप याद रखिए, साबित से लिखा जाएगा। और सबूत जब आएगा तो सबूत भी से लिखा जाएगा, सबूत भी से लिखा जाएगा, क्योंकि हम अक्सर क्या इसमें इमला में बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं लिखने में। तो साबित से लिखा जाएगा, सबूत से लिखा जाएगा। और एक लफ्ज और आता है जो हम ज्योमेट्री में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम मुसलस कहते हैं, मुसलस भी से लिखा जाएगा, दोनों जगह से आएगा मुसलस। याद रखिए मीम और इसके बाद से और फिर से मुसलस, मुसलस कहते हैं ये शक्ल होती है इसकी त्रिकोण वाली, जिसको हम ट्राइंगल कहते हैं। ये मुसलस भी से आएगा और साबित भी से आएगा, सबूत भी से आएगा, ये इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि हमने आपको एक वीडियो उर्दू मुहावरों पर बता दिया है। इसके साथ ही हमें अब इजाज़त दीजिए अगले वीडियो तक के लिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।